एक और बड़ी खबर आ रही है बालोदा बाजार से, जहां पर भाटापारा के ग्राम तरेंगा में हाईवा और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हाईवा चालक की इस घटना में मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक सहित 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और ऐसा भी पता चला है कि ट्रैक्टर चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रायपुर उसको रेफर किया गया है। भाटापारा ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि ये बालोदा बाजार की घटना है, जहां पर हाईवा चालक की मौत हो गई इस भिड़ंत में और ट्रैक्टर चालक सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैक्टर चालक है उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि ये मामला पूरा भाटापारा के गांव तरेंगा में हुआ है, जहां पर हाईवा और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत होने से हाईवा चालक की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर है यहाँ पर, जहां पर ट्रैक्टर चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और ट्रैक्टर चालक के साथ जो 6 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हैं। और हम आपको बता दें कि इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद मिश्रा। अरविंद, बालोदा बाजार में एक बड़ी घटना घटी है, क्या कुछ किसकी गलती सामने आ रही है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी और साथ में एक की मौत हो गई है? ये भाड़ापारा के ग्राम तरेंगा गांव में घटना घटी है, जिसमें ट्रैक्टर और हाईवा चालक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। उसमें हाईवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं पर ट्रैक्टर चालक को गंभीर अवस्था में देखते हुए उसको प्राथमिकता के बाद रायपुर के लिए रवाना किया गया है और 5 अन्य लोगों का भाड़ापारा के शासकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यानी कि जो हाईवा और ट्रैक्टर है, दोनों की आपस में भिड़ंत होने की वजह से हादसा हुआ और जिसमें हाईवा चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाकी 6 लोगों का इलाज चल रहा है। और इसी साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वराज।